अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेटेस्ट आपके डिसीजन मेकिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं कि आज के दौर में करियर को, अपने प्रोफेशन को सेलेक्ट करना, उसको चूज़ करना एक फर्स्ट डे से लेकर एंड तक कितना इंपॉर्टेंट जो है ट्रेंड बन चुका है। मतलब आपको पता होना चाहिए आपने क्या बनना है, किस तरह बनना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए और क्या किस करियर में आपने मज़ीद आगे जाना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप पे किसी तरह का प्रेशर जो है वो तो नहीं डाला जा रहा, आपको प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा, आप पर सोसाइटियल प्रेशर या आप पर पेरेंटल प्रेशर तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए आज हम आपके पास लेकर आए हैं कि आपने इन सब चीज़ों को किस तरह डील करके अपने प्रोफेशन के, अपना एक करियर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो आइए व्यूअर्स, आपको बताते चलते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से मैट्रिक तक आपको इन्फॉर्मेशन जो एजुकेशन जो है वो दी जाती है, उसमें आपका ओ लेवल और ए लेवल भी जो है वो शामिल होता है। आप मैट्रिक की जगह पे ओ लेवल और इंटर की जगह पर ए लेवल जो है वो कर सकते हैं। ओ लेवल ए लेवल करने के बाद या फिर मैट्रिक या इंटर करने के बाद जो है आपके पास आगे डिफरेंट तरह की चॉइसेस होती हैं। लाइक आपके मैट्रिक के पास, आपके पास मैट्रिक में चॉइस होती है आप आर्ट्स रख सकते हैं, साइंस रख सकते हैं, आपके पास एफएससी में, इंटर में चॉइस होती है आप एफएससी कर सकते हैं, आप जो है डिफरेंट एफए कर सकते हैं, आईकॉम कर सकते हैं या आईसीएस कर सकते हैं। एफएससी में भी आपके पास मजीद दो चॉइसेस होती हैं, आप इंजीनियरिंग कर लें, आप मेडिकल कर लें। अगर आप मेडिकल करेंगे तो आपको उसके बाद एमबीबीएस में जाना पड़ेगा जो कि डॉक्टर के फील्ड है, और अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे एफएससी इंजीनियरिंग तो उसको उसमें आपको उसके बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना पड़ेगा, जिसमें इंजीनियरिंग की भी 100 तरह की टाइप्स होती हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस तरह से और भी मजीद किस्में। तो व्यूवर्स, आपको बताते चलते हैं कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप इतने एडल्ट, इतने मेच्योर, आप इंटर लेवल के बाद होते हैं कि आप अपना कोई करियर या कोई प्रोफेशन जो है वो सेलेक्ट कर पाएँ कि आपने कौन सा करियर जो है वो सेलेक्ट करना है और आपने आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो किस तरह से गुजारनी है, आपने अपना कौन सा प्रोफेशन जो है वो सेलेक्ट करना है जो कि आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। आपने अपनी पर्सनालिटी को सबसे पहले जज करना है, आपकी पर्सनालिटी किस तरह से, आपने अपने इनर को जो है वो घोलना है कि आपका इनर किस तरह के है, आपकी पर्सनालिटी किस चीज़ में ज़्यादा सूट करेगी, इंजीनियरिंग में ज़्यादा सूट करेगी, आपकी पर्सनालिटी जो है वो डॉक्टरेट वाली है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो टीचिंग वाली है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो लेक्चरर वाली है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो आईटी या बिजनेसमैन या क्या है। तो जब आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो किस तरह की है और आपने क्या बनना है। फिर आप जब चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे आपको पता चल जाएगा आपकी पर्सनालिटी के साथ क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ मैच करती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो एजुकेशन है उसको मोल्ड करेंगे, आप एफएससी मेडिकल करेंगे, उसके बाद एमबीबीएस में जाएंगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं कि आप पेरेंटल प्रेशर में बिल्कुल ना आए। जैसे ही आप पेरेंटल प्रेशर में आएंगे आपकी चीज़ें, आपकी पर्सनैलिटी आपकी चीज़ों के साथ, प्रोफेशन के साथ मैच नहीं करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आपकी आपकी पर्सनैलिटी है, आप पे पेरेंटल या सोसाइटियल प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर्सनैलिटी से मैच करके आप प्रोफेशन जो है वो सेलेक्ट करें, चूज़ करें अपने एडल्ट के इंटरेस्ट के मुताबिक। तो ये थी हमारे लिए आज की आपके लिए सजेशन।